हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी बाय रेनू। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज ना कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि जल्दी भी बन जाए, टेस्टी भी हो और जिसको हम किसी भी टाइम बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो आज हम बनाने लगे हैं इंस्टेंट सूजी चीला, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें जब वो सब्जियों का जो क्रंच आता है ना बीच में, यम्मी, मज़ा आ जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और शुरू करते हैं इस टेस्टी डिश को बनाना, जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। कम ऑन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। एक हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ज्यादा भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया लेके उसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। अभी हम इन तीनों चीजों को साइड पर रख के बैटर मिक्स करते हैं। बैटर बनाने के लिए हमने लेनी है 1 कटोरी सूजी। एक बाउल में सूजी ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें जाएगा लगभग 1/4 कटोरी दही, या 2 टेबलस्पून आप कह लीजिए, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, जो अदरक कद्दूकस किया हुआ था वो डाल देंगे, और हरा धनिया। अब हमने इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे, एकदम से बहुत ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा सा पानी मिलाइए, मिक्स कीजिए थोड़ा सा और। ये अभी आप देख रहे हैं इतनी कंसिस्टेंसी का हमने रखना है। इसको भी हम ज्यादा लूज नहीं अभी करना हमने, बाद में अगर जरूरत होगी तो पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच नमक और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी 10-15 मिनट के लिए हम इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर ले। जब तक बैटर जो है हमारा रेडी हो रहा है, तब तक हम चॉपिंग कर लेते हैं। 1 शिमला मिर्च ले लेंगे, 1 प्याज और 1 टमाटर, ये स्टफिंग के लिए हम यूज करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक काटना हमने शिमला मिर्च को भी, सारी सब्जियों को हमने बारीक बारीक ही काटना है। शिमला मिर्च तो चॉप हो गई, अब करते हैं टमाटर और प्याज काटते हैं। प्याज भी कट गया, शिमला मिर्च भी कट गई और टमाटर भी हमारे कट गए, बिल्कुल बारीक बारीक। आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल को बारीक बारीक काटा है। ये 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देख लेते हैं एक बार कितना थिक है, पानी और डालना है या नहीं डालना है। अभी जो है काफी थिक हो गया है, सूजी ने काफी पानी पी लिया है। तो अब पहले मैंने लगभग 1 कटोरी पानी डाला था इसमें, और अब 1/2 कटोरी के आसपास पानी में डाल रही हूं। पहले एक बार मिक्स कर लेंगे। ये भी मुझे और थोड़ा पतला करना है, 1/2 कटोरी पानी और चाहिएगा। इसको अच्छे से एक बार आप बीट कर लीजिए ऐसे स्पून से ही। थोड़ा सा हल्का पतला हो रहा तो ज्यादा अच्छा बनेगा। बहुत थोड़ा करके अब पानी, अब ध्यान से, क्योंकि अब बिल्कुल हल्के पानी की जरूरत है। यस, अभी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तैयार है। अब हम इसको सेक लेंगे। हम तवा गैस के ऊपर रख के तवा एक बारी थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं तवे की सीजनिंग। तवे की सीजनिंग करने के लिए हम कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे। अब इस पानी में हम डालेंगे 1-2 ड्रॉप ऑयल।
अब इस पानी को हमने गरम तवे के ऊपर डाल के इस तरह से किसी टिश्यू पेपर से या किसी कॉटन के कपड़े से इसको ऐसे वाइप कर दीजिए। और अब इसके ऊपर एक बार प्याज, ऐसे जब भी हम कोई डोसा या चीला बनाते हैं तो कई बार वो चिपक जाता है, इस तरह करने से तवे की सीजनिंग हो जाती है। तो अब जो हमारा बैटर तैयार था उसका हम एक स्पून भर के या कड़छी की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इसको बड़े आराम से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक दो मिनट के लिए हम इसको सिम पे करके ढक देंगे ताकि इसकी जो अपर साइड है वो भी पक जाए। एक दो मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन उतार देंगे। अब इसको साइड से थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। अब हमने जो सब्जियां काटी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से उनकी ऐसे हल्की हल्की बीच में लेयर लगा देंगे। आप देख रहे हैं मैंने नमक मिर्च कुछ भी पहले नहीं डाला है, थोड़ा सा टमाटर डालिए, अनियन और कैप्सिकम। और अब इसके ऊपर हमने डाल देना है थोड़ा सा नमक, नमक डालेंगे थोड़ा सा। नमक मैंने पहले नहीं डाला, नहीं तो सब्जियां जो हैं वो सौगी हो जाती और फिर वो चीला भी खराब कर देती। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, अब इसको हम साइड से उतार के, जब ये पकता है तो अपने आप से ही साइड इसकी जो है वो सेपरेट हो जाती है। अब इसको इस प्रकार डोसे की तरह फ्लिप कर लीजिए, देख रहे हैं ये, इसमें जो क्रंची क्रंची सब्जियों का फ्लेवर आता है ना, बहुत जबरदस्त आता है। ये रेडी है, इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे।